देखिए आज आप लोगों को देखना भारतीय राज्य व्यवस्था में 1956 में भारत में राज्यों की संख्या कितना हुआ करता था और केंद्र शासित प्रदेश कितना हुआ करता था। कब की बात किया जा रहा है? 2056 की बात है। आप लोग पता होना चाहिए भारत आजाद ठीक है ना 15 अगस्त 1900 का हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद हम लोग का राज्य का गठन होने लगा था, राज्य का निर्माण होने लगा था, राज्य को अलग अलग हम लोग करने लगे थे। 1956 की बात की जा रही है कि 1956 में भारत में राज्यों की संख्या कितना है। भारत में 1956 में भारत के राज्यों की संख्या 14 का हुआ था और केंद्र शासित प्रदेश जो हुआ करता है केंद्र शासित प्रदेश जो हुआ करता था 6 को हुआ करता था। अब आप पूछिएगा सर ये जो हम लोग का 14 को कौन कौन सा राज्य है और 6 को केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं केंद्र शासित पहले राज्य में आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरा में असम हो जाएगा, असम के बाद क्या हो जाएगा तीसरा बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद चौथा का हो जाएगा, बिहार के बाद हम लोग क्या हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, मुंबई के बाद क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर के बाद क्या हो जाएगा केरल हो जाएगा, नहीं आ रहा ये 5 तक आ गया ना, केरल हो जाएगा, केरल के बाद क्या हो जाएगा भाई। आप देखिए यहाँ पे हम लोग अब छठा क्रमांक इधर उधर नहीं करना है या इधर उधर हो जाए तो आप लोग कम से कम याद रखना है जो 14 हो छठा हो गया। सातवां क्या है थोड़ा सा याद रखिएगा, सातवां हो जाएगा हम लोग का मध्य प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा छठा में हो जाएगा क्या हम लोग का सातवां में का आठवां में क्या हो जाएगा मैसूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैसूर हो जाएगा, आठवां हो जाएगा मद्रास, उसके बाद हो जाएगा नौवा हम लोग का हो जाएगा मैसूर हो जाएगा, दसवां हम लोग का हो जाएगा आगे रहा दसवां आ जाएगा, दसवां हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद एक रहा का हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, पंजाब के बाद का हो जाएगा हम लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब के बाद हम लोग का हो जाएगा राजस्थान के बाद हो जाएगा तिरहमा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा 14वां जो होता है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा ये जो 14 को नाम हुआ करता था आंध्र प्रदेश असम बिहार मुंबई जम्मू कश्मीर केरल मध्य प्रदेश मद्रास, याद रखिएगा आज मद्रास का नाम बदल के इस मद्रास का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु रख दिया गया है, तमिलनाडु रख दिया गया, याद रखिएगा इसी मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया है और मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया है, कर्नाटक कर दिया गया, याद रखिएगा मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, उड़ीसा हो गया है पंजाब हो गया है क्या हो गया है राजस्थान हो गया है उत्तर प्रदेश हो गया है क्या हो गया है पश्चिम बंगाल हो गया है। ये इतना राज्य है ये कब का था 1956 में, ये हम लोग को कहो 14 को जो राज्य है बताया गया है और हम आप लोग का केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 6 को आप लोग याद रखिएगा, 6 के शासित प्रदेश पहला का है निको
निकोबार एंड अंडमान। हो गया निकोबार एंड का हो जाएगा अंडमान, या अंडमान निकोबार भी हो जाएगा। याद रखिएगा निकोबार अंडमान या अंडमान निकोबार हो जाएगा। दूसरा का याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका नाम सीधा कर दीजिएगा, अंडमान निकोबार होता है, गलती के जैसे कोई बोल दे अंडमान एवं निकोबार होता है। दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। पांचवा चौथा में क्या हो जाएगा, अच्छा नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं होगा तो उसके बाद आप लिख दीजिएगा मिनिकाय, मिनिकाय मिनिकाय नहीं होगा तो लिख दीजिएगा अमीना, अमीन दीव, ये हम लोग का द्वीप होता है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा जो पांचवा जो हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर हो जाएगा। और छठा जो हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, ये त्रिपुरा हो जाएगा, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार एक हो जाएगा, दिल्ली दो हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश तीन हो जाएगा, लक्षद्वीप या मणिकाय उसके बाद होता है अमीन दीव द्वीप, ये जो होता है हम लोग का चौथा हो जाएगा। पांचवा में मणिपुर हो जाएगा, छठा में क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। ये कब की हम बात कर रहे हैं, 1956 की बात कर रहे हैं, जब उस समय हम लोग का भारत में राज्यों की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेश 6 हुआ करता था। अब याद रखिएगा, इसके बाद अब आप लोग का महत्वपूर्ण जो है ध्यान दीजिएगा, आप महत्व क्या ध्यान देना है, बताया गया है कि अब हम लोग का 15वां राज्य कब और कैसे बना। ध्यान रखिएगा, ये 15वां राज्य भारत का 15वां राज कब बना और बना और कौन बना। आपको ये महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कब बना और कौन बना भारत का कौन सा राज, 15वां राज। देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, याद रखिएगा। अभी हम लोग ने देखा था बात, आप लोग को याद रखिएगा 1960 की है, कब की बात है 1960 ईस्वी, 1956 के बाद 1960 ईस्वी, 1 मई 1960 ईस्वी की बात है। उस समय बॉम्बे हुआ करता था, क्या हुआ करता था बॉम्बे को वहाँ से तोड़ा गया और जो वो राज्य को वहाँ पर बांट दिया गया, मुंबई को तोड़ा गया तो एक हो गया गुजरात, क्या हो गया गुजरात, और एक क्या हो गया महाराष्ट्र हो गया, क्या हो गया महाराष्ट्र हो गया। याद रखिएगा, एक महाराष्ट्र हो गया, एक गुजरात हो गया। कब इसका निर्माण हुआ था, जब 1 मई 1960 में, तो याद रखिएगा आपको हम बता दे रहे हैं, ये हम लोग का 14वां 15वां और ये 16वां, 15वां और 16वां दोनों एक साथ में राज्य का निर्माण हुआ 1 मई 1960 में, जब बॉम्बे को दो भड़कों भागों में बांटा गया तो एक गुजरात हो गया और दूसरा क्या हो गया महाराष्ट्र हो गया, और ये दो अलग राज्य बन गया। तब 1960 में हम लोग का कौन राज्य हो गया, संख्या कौन हो गया था 1960 में हम लोग 16 राज्य हो गया था, 1960 में हम लोग कब राज्य हो गया था 16, 1960 में हम लोग कितना राज्य हो गया था 1900, पहले से कितना था 14 का था ना, और दो को और बन गया था, तो दो को बन गया तो दो इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1960 में कितना हम लोग का 16 राज्य हो गया था, कितना राज्य हो गया था 16 राज्य हो गया था। उसके बाद फिर से हम लोग क्या आया, ठीक है ना, फिर से हम लोग आया, यहाँ पे ये गलती दिया गया है, क्या हुआ यहाँ पे हम लोग गलती दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का 16वां राज्य, 15वां और 16वां राज्य बना गुजरात, और क्या बना महाराष्ट्र बना। अब यहाँ पे 17वां राज्य की बात की जा रही है, लिख नोट कर लीजिए, ये हो क्या याद रखिएगा, ये हम लोग का 16वां राज्य जब बना, तो इस हम लोग का जब 15वां राज्य बना तो 15वां राज्य के समय ही दो को राज्य बन गया था। इसलिए अगर हम लोग पूछेगा, कोई पूछेगा कि 15वां राज्य में कौन कौन सा राज्य बना था, तो आप लोग कह सकते हैं कि गुजरात बना हुआ था, और क्या बना हुआ था महाराष्ट्र बना हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है ना। अब 16वां राज्य की बात की जा रही है, भारत
भारत की सुलहवां राज्य, भारत की सुलहवां राज्य कौन सा था? अब हम लोग को ध्यान रखना है, भारत की सुलहवां राज्य कौन सा है? नागालैंड है। भारत का सुलहवां राज्य कौन सा है? नागालैंड है। मत बोलिए आप लोग, ये कब हम लोग का बना था और ये कब तैयार हुआ था? 1963 में। 1963 में अगर कोई पूछे कब, तो 1 दिसंबर 1963 में भारत का कौन सा राज्य, यह सुलहवां राज्य बना हुआ था जिसका नाम नागालैंड है, ठीक है ना। भारत का सुलहवां राज्य कब बना हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 में सुलहवां राज्य बना हुआ था जिसका नाम क्या है? नागालैंड है। इसका नाम क्या है? नागालैंड है। आप लोग 17वां राज्य कब बना था, हम आप लोग को बता रहे हैं। भारत का 17वां राज्य, भारत के 17वां राज्य कब बना था? उस राज्य का नाम क्या था? हरियाणा का निर्माण कब हुआ था? ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा का निर्माण कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा। हम आप लोग को बता दे रहे हैं, हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था। कब हुआ था 1 नवंबर 1966 में। ये हरियाणा पंजाब से होकर बना था। भारत के कौन सा राज्य बना था? 17वां। आप देखिए यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, भारत की 18वां राज्य कौन सा है आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना हुआ था। ये भी पंजाब से अलग हुआ था। ये कब हुआ था? इनका नाम हिमाचल प्रदेश। ये कब अलग हुआ था? 25 जनवरी 1971 को यह अलग हुआ था। 25 जनवरी 1971 को यह पंजाब से अलग हुआ था। और याद रखिएगा, ये पंजाब से अलग हुआ था जिसका नाम हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है ना। यह भारत का कौन सा राज्य है? 18वां राज्य है। तो कोई पूछेगा कि 1971 में भारत की राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बता देंगे कितना हो जाएगा। जो एक साथ में भारत की राज्य अलग हुआ था उसको 16वां 15वां ही माना जाता है। जो एक एक तिथि के दिन अलग अलग का कर दिया गया था। अब यहाँ पे 1971 में भारत की राज्यों की संख्या कितना हो गया था? 16, 16 के बाद 17, 18, 18 के बाद कितना हो गया? 19। कितना राज्यों की संख्या हो गया? 19 राज्यों की संख्या हो गया। कब तक राज्यों की संख्या हो गया था? 1971 तक। 25 जनवरी 1971 तक राज्यों की संख्या हो गया था, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बताया जा रहा है अब 1971 के बाद 1900 पंजाब का विभाजन करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। याद रखिएगा, पंजाब से हम लोग का दोनों राज्य मिला हुआ था, निकला हुआ था। पंजाब को हम लोग गठन किए थे तो हरियाणा को और हरियाणा के बाद यहाँ पे क्या हो गया था? हिमाचल प्रदेश को किए थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 10 मिनट का वीडियो चलता थोड़ा सा, मोबाइल नंबर अभी मोबाइल बंद बाबे ना मिल पाए तो हम बात कर लेते हैं 5 मिनट के समय। 10 मिनट में तो भेंट हो गया है, ठीक। मोबाइल नंबर चलिए, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, कितना सा अब कौन सा हम लोग का आएगा? 1972 ईस्वी में हम लोग का कौन सा राज्य का गठन हुआ था? अभी आप देख लीजिए, ये नहीं बता रहा है कि 18वां गठन हुआ था, 17वां गठन हुआ था, 15वां गठन हुआ था।
कौन गठन हुआ था ये नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अब एक साथ में तीन तीन गो राज्य का गठन हुआ था। 1972 में 1972 में तीन गो राज्य का गठन हुआ था, तीन गो राज्य का निर्माण हुआ था, और वह तीनों राज्य का नाम हम आपको बता रहे हैं, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा हुआ था। ये 1971 में हुआ था, कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 21 जनवरी के तीनों अलग हुआ था, कब हुआ था? 21 जनवरी के तीनों अलग हुआ था, कब हुआ था? मणिपुर के बाद क्या बताए थे? मेघालय के बाद क्या बताए थे? त्रिपुरा बताए थे। कब हुआ था ये? 25 जनवरी 1972 में तीन गो राज्य का गठन हुआ था, कौन सा याद रखिएगा? 1971 अधिनियम के तहत, इसको अधिनियम 1971 अधिनियम के तहत, 1971 अधिनियम के तहत 25 जनवरी 1972 को इस राज्य में क्या बताया गया था? भारत में राज्य की गठन किया गया था, और 1972 में राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। जो हम लोग 1956 में कितना हुआ करता था? 14 राज्य हुआ करता था। 1972 में राज्यों की संख्या कितना हो गया था? 21 हो गया था। एक साथ में तीन राज्य का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1972 को मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे फिर एक बार ऐसे ही हुआ था, ध्यान रखिएगा, अलग अलग याद रखिएगा, लेकिन इनका अलग अलग हुआ था। 1987 ईस्वी की बात है, 1987 ईस्वी में, ठीक है ना, 20 फरवरी 1987 इसमें हम लोग का दो गो राज्य का गठन हुआ था, आप पूछिएगा सर कौन कौन सा, ये और एक ये, और फिर इसी में हुआ था 30 मई 1987। ये तीन गो राज्य है। अब राज्य का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और क्या होता है? गोवा। ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। कितना हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 20 फरवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिजोरम हो गया, और 30 मई को हम लोग क्या हो गया? गोवा हो गया। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 1987 से पहले हम लोग एक मिस्टेक किए हैं, और ये हम लोग मिस्टेक क्या किए हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या किए हैं 1975 में, सोलह जुलाई 1975 में 22वां राज्य का निर्माण हुआ था। ये अभी तीनों का चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक से लिख दिए हैं। 22वां राज्य हम लोग का सिक्किम बना हुआ था। 22वां राज्य क्या बना हुआ था? सिक्किम बना हुआ था। 36वां संशोधन 1973 में, जब संविधान में संशोधन, 36वां संशोधन हुआ था 1973 में, तब हम लोग का 22वां राज्य सिक्किम का निर्माण हुआ था 16 जुलाई 1975 में। कब इसका संशोधन हुआ था? जब 36वां संशोधन संविधान में 36वां संशोधन चल रहा था 1973 में, उसके बाद हम लोग का 22वां राज्य 16 जुलाई 1975 को सिक्किम राज्य
को घोषणा की गई थी। और सिक्किम राज्य के बाद 1975 के बाद 1987 में 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और 30 मई 1987 को गोवा का निर्माण हुआ था। और ये बैसवा राज हो गया था। ये 23, 24, 25। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1987 तक भारत में राज्य की संख्या कितना हो गया था, तो 25 को हो गया था। कितना राज्य की संख्या हो गया था? 25 को राज्य की संख्या हो गया था। कब तक? 1987 तक। 1987 तक। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग का कैसे विभाजन हो गया था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या किया गया था कि मध्य प्रदेश से काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मध्य प्रदेश को क्या कर दिया गया था? मध्य प्रदेश को थोड़ा सा उसका हिस्सा काट कर क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़ बनाया गया था। कब बनाया गया था? एक नवंबर 2000 ईस्वी को। यह भारत का कौन सा राज्य बन गया था? 26वां। कौन सा राज्य बन गया था? 26वां। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को याद रखिएगा। अब 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश से क्या कर दिया गया था? काट छांट के क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। याद रखिए कब बनाया गया था? ये 26 के बाद ये कौन सा राज्य हो जाएगा? 27वां राज्य हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से काटकर किसको अलग कर दिया गया था? झारखंड को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। बिहार से काटकर किसको अलग कर दिया गया था? झारखंड को। यहाँ पे चौथा हो गया है। याद रखिएगा कौन सा हो गया है? चौथा हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे चौथा बताया गया है। 2 जून 2014 को, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश को विभाजन करके तेलंगाना बना दिया गया। और हम लोग का यहाँ पे कुल टोटल राज्यों की संख्या कितना हो गया था? टोटल राज्यों की संख्या 29। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए 2019 में, ठीक है ना, मोदी कैबिनेट के अगस्त 2019 में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा दिया गया था, उसका राज्य के दर्जा क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। उससे राज्य के दर्जा क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। और वह अब क्या हो गया है? वह अब हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। तो अब हम आप लोग से बता देना चाहते हैं राज्य की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। कश्मीर का जब राज्य की दर्जा आज 2024, ठीक है ना, आज क्या है हम लोग का, याद रखिएगा, आज कौन तारीख है? 29 9 2024। आज तक भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 गो। अब दो गो कौन कौन सा बढ़ गया? एगो जम्मू कश्मीर हो गया। और एगो लद्दाख हो गया था, ठीक है ना, एगो लद्दाख हो गया और क्या हो गया? एगो जम्मू कश्मीर हो गया। इससे पहले हम आप लोग को 6 गो लिखवाए थे। और इससे पहले हम आप लोग कितना लिखवाए थे? 1956 में 14 गो राज्य का नाम और 1956 में 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखवाया था। अब 2 गो जोड़ने के बाद कितना हो गया? 28 गो। और इसको 14 गो जोड़ने के बाद कितना हो गया?
28 को, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो आज 29/10/2000, आज 29/9/2024 तक भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया है, 8। अगर इससे पहले कहीं आपको कंपटीशन पूछा जा सकता है, क्या बताइए कि 2019 की बात, 2019 अगस्त के पहले भारत में राज्यों की संख्या कितना था, तो याद रखिएगा 2 जून 2014 से लेके अगस्त 2019 तक, 2019 तक राज्यों की संख्या कितना था, 29 था, कितना था, 29। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना था, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या मात्र 6 था। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कब हुआ, 6, लेकिन अगस्त 2019 में जब, ठीक है ना, लोकसभा में विधेयक पास हुआ था तब इसको छाट कर लद्दाख को अलग और किसको, लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, जिससे राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया है, 6 हो गया। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।